और भाई क्या हो रहा है? तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग या तो स्कॉलरशिप पे आओगे या फिर अपने प्राइवेटली फाइनेंस करके आओगे। आप 2 से 4 साल यहाँ पे पढ़ोगे, आप अपनी फैमिली से दूर रहेंगे। तो इस वीडियो में हम आज ये ही डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो देखिए, अगर आप अनलकी हैं, आपको नहीं मिली जॉब, परमानेंट जॉब नहीं मिली, तो आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स पे। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी 2 टाइप की होती हैं, या तो आप इसमें एज अ इंग्लिश टीचर काम करेंगे, या फिर यू विल वर्क इन सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री, या फिर आप कोई टेक्नीशियन की तरह काम करेंगे इन अ रेगुलर कंपनी। तो उसमें आपकी जो मैं बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, बट मैं इतना ज़रूर बात कर सकता हूँ कि आपकी सैलरी की रेंज क्या हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स। देखिए, इंग्लिश टीचर की जो सैलरी होती है वो आप मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आपको एटलीस्ट 2 लाख 2 लाख येन पर मंथ को आपको मिल जाएगा पैकेज। पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इफ़ यू आर वर्किंग एज अ फैक्ट्री वर्कर या फिर टेक्नीशियन इन अ कंपनी, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपकी सैलरी में से कुछ भाग ले लेता है। तो वो कितना होएगा कि आपकी लगेगी ऑन पेपर जैसे परमानेंट एम्प्लॉई है, उसकी भी 2 20 होगी या 2 लाख होगी, और आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर काट के सैलरी देगा करीब 1.5 लाख से 1.80 के बीच में आपकी सैलरी होगी यहाँ पे येन में, राइट? तो ये हो गई बात हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, है ना? अरे भाई, तो हवा बहुत चल रही है। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं एंड यू आर बैचलर्स, आप बैचलर्स से निकले हैं, NCG उनको बोलते हैं, न्यू कॉलेज ग्रेजुएट, और इन NCGs की रिक्रूटमेंट आई थिंक साल में 2 बार होती है। एक तो होती है जनवरी से स्टार्ट, और फिर एक होती है बीच में सितंबर, करीब सितंबर, अगस्त सितंबर होती है, ठीक है? क्योंकि तभी आप लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो इसमें बड़ी से बड़ी कंपनियां भी, हिटाची, पैनासोनिक, जेटेक और राकुटैन, ये सब के सब आपको स्टार्टिंग पैकेज देंगे 2 लाख से 2.20 के बीच में, ठीक है? ये आपका होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, आपको जो स्टार्टिंग पैकेज है वो सेट है यहाँ पे इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है? अब आप ऐसी मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स का जो बैंड है वो है 2.20 से लेके 2.40 तक, तो थोड़ा सा ही फ़र्क है, पर आपको 20,000 का बम्प देखने को मिल जाएगा इसमें। और यहीं अगर आप PhD हैं तो फिर आपका 2.40 से 2.60 के बीच में बैंड आ जाता है। अब इसमें काफ़ी कंपनियां क्या करती हैं कि ओवरटाइम मिला देती हैं और 3 लाख दिखा देती हैं। राकुटेन ऐसी एक कंपनी है जो आपसे करीब 40 घंटा या कितना कुछ घंटा ओवरटाइम करवाएगी, वो मैंडेटरी है ना? अब ये कुछ लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बुरी बात हो सकती है। कि पहले आप कहेंगे यार ओवर टाइम मुझे नहीं करना, क्योंकि यार इतना ज़्यादा काम, मतलब काम जितना है उतना तो ठीक है, ओवर टाइम और करेंगे इस कंपनी में, पर फिर आपको उसका पैसा भी मिलता है। तो आप वहीं 2.20 की जगह आप 3 लाख कमाएंगे, तो आपका मंथ एंड तक आते आते आपको यही लगेगा कि यार ओवर टाइम होना चाहिए। अगर लेकिन आप कहते हैं कि यार मुझे पैसों के इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे नहीं जाना सुबह 7 बजे और वापस 8 बजे घर, मुझे नहीं करना ये, तो आपके लिए वो कंपनी ठीक नहीं रहेगी। पर ये आपको, पर आप ये समझ लो आपका ये बैंड है, और ये मैं टिपिकल बैंड बता रहा हूँ, मैं हर कंपनी का ऑब्वियसली नहीं बता सकता। पर आप मान लीजिए आप वर्किंग है, नहीं आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इंडिया में, और आप फिर आते हैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स करते हैं, क्योंकि बैचलर्स में तो शायद नहीं होगा, मास्टर्स के बाद या PhD के बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है तो आपका जो पैकेज है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा, इन बेस बैंड में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी जॉब लगेगी कहाँ। मोस्ट लाइकली आपकी जॉब टोक्यो या ओसाका एरिया में लगेगी, क्योंकि मोस्टली वहीं कंपनियाँ हैं सारी। मान लो आपने BTech करी है, आपके दोस्तों की लगी है 2 लाख या 2.10, और आपकी लग गई भाई 2.5 लाख, ठीक है? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ये चीज़ ध्यान देना कि उनको 2 लाख या 2.10 तो लगी है, पर उनको क्या रेंट में अपनी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसमें सपोर्ट कर रही कंपनी या नहीं,
क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है कि आपको भले ही पैकेज ज़्यादा दे दिया लेकिन आपका रेंट में कोई सपोर्ट नहीं होगा, तो वो पर्क आपका हटा लिया, तो बात वहीं बन जाती है कि आपका भी 2-10 ही था या 2 लाख ही था, उल्टा उल्टा कम ही था, पर आपको रेंट इंक्लूड करके उन्होंने बोल दिया कि आपका 2-2.5 है, तो इतना आप आ जाओ खुश होके। तो ऐसा ऐसी गलती मत करना, आप पूरा देखना कि कौन सी कंपनी कौन सा क्या क्या पर्क्स दे के आपका खर्चा बचा रही है, और आप देखना कि आपके कितने खर्चे एक्चुअल में, और आप ये देखना कि आपकी कितनी एंड में सेविंग्स कितनी हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली PhD की भी, सो नाउ यू नो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे अपनी मास्टर्स ग्रेजुएशन या एडुकेशन करी है, तो ऑब्वियसली ये मैं टिपिकल बेस पैकेजेस बता रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो करीब 3 लाख 4 लाख ऐसे पैकेज भी देती है फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट। तो जो लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप वो रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करते हैं जो कंपनी ढूंढ रही है, आपको पैकेज लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जापानीज़, भाई वो कर लेना। चलो भाई निकलते हैं, भाई टाइम हो गया वापस जाने का। चलो फिर करते हैं फिर अगली बात, हैं अपन भी निकलें काम पे जाएं। चलो बाय बाय। अरे यार लीक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, चलो बाय।